फिर आप लोगों को दिखाऊंगी भी नहीं फिर कभी कि मैं क्या खा रही। ये इतना सारा प्रसाद हमारे को क्योंकि आज नमक थोड़ा सा कम है। और ये वो दही है जो मैंने आप लोगों के सामने उस दिन जमाई थी, तो ये देखो कितना अच्छा बढ़िया दही जमा है, एकदम से टाइट दही। और ये उस दिन तो मैंने सांभर इडली नहीं बनाया था, लेकिन अगले दिन मैंने इसको सांभर को बनाया था। तो बस जस्ट मैंने इसमें घी ही डाला है चने की दाल के अंदर, और उसी से मैंने ये सांभर बनाया है। और अब मैंने ये सांभर ठंडा था फ्रिज का, तो मैंने इसको रखा था गर्म होने के लिए गैस पर। इतनी देर में मैंने इडली के लिए सूजी निकाल ली थी। ज़्यादातर मैं सूजी की ही इडली बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती हैं और सॉफ्ट भी बनती हैं। सूजी के अंदर मैंने बस दही डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है, और ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के मैंने घोल के इसके वो साइड में रख दिया था आधा घंटा के लिए, ताकि सूजी अच्छी तरीके से फूल जाए। और अरहर की दाल के मुकाबले चने की दाल थोड़ा सा देर से गलती है, तो मैंने इसके अंदर ये दही फेंटने वाला जो होता है ना मीटर, इसको चला दिया था। और इमली भी बहुत अच्छी तरीके से फूल गई थी ये, क्योंकि इसको एक दिन हो गया था पूरा भिगाए हुए, तो मैंने इमली का पल्प उसके अंदर डाल दिया था और थोड़ा सा गुड़ भी ऐड करा है, क्योंकि सांभर हमेशा जो ट्रेडिशनल है वो खट्टा मीठा ही बनता है। और उसके बाद मैंने फिर इसमें तड़का लगाया था। तड़का लगाने के लिए मैंने सरसों का तेल लिया था और उसके अंदर मैंने अपना ही बनाया हुआ सांभर मसाला डाला था, जिससे मैंने तड़का लगाया है। और इस बार मैं स्पेशली ये ड्रम स्टिक लेके आई थी सांभर में डालने के लिए। मैंने इसको काट के डाला भी है सांभर में, बट मेरे को इतना कुछ लगा नहीं कि इसके बिना सांभर नहीं बन सकता, इतना कुछ मुझे खास लगी नहीं है ड्रम स्टिक। नमक थोड़ा सा कम है, और नमक के साथ मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड करी है। सांभर तो तैयार हो गया, अब बना रही हूँ इडलियाँ। और ये सूजी भी अच्छी तरीके से फूल चुकी है, मुझे इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ा इसको हल्का करने के लिए। फिर मैंने थोड़ी सी सूजी अलग कर ली थी, जिसमें कि मैं इनो डालूंगी, क्योंकि सारे बैटर में अगर इनो डाल दूंगी ना तो इनो का जो इफ़ेक्ट होता है ना वो कम हो जाता है। इसलिए जितनी जितनी इडली बनानी है उतना उतना ही उसके अंदर इनो डालना चाहिए। और ये फिर मैंने रात को डिनर तैयार किया था, आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी, और इडली और सांभर भी थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ था, तो बस उसी से हमने फिर रात का डिनर किया था। इडली बता रहा हूँ सांभर में मैंने जब फर्स्ट बाइट खाई ना सुबह, हाँ मजा आ गया। अच्छा सांभर बनाना आ गया ना मेरे को, बिना प्याज और उसके भी मस्त। हाँ आज इडली सांभर ना अच्छा बना था, तभी अब ये दोबारा खा रहे हैं, नहीं तो ये खाते नहीं है। चलो करूंगी फिर सही तरह उसको, किसने चुगली करी है ये बता, सोचने तो दो मेरे को, अलग अलग पता चली यही बातें, एक भटूरे वाली और एक पता नहीं कौन सी सैंडविच की थी, पता नहीं कौन की थी। सैंडविच में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सैंडविच में तुम लोग सिकाई करती हो वो घी लगा लगा के,
अरे तो क्या हो गया, इतना तो सीखेगा ही ना। मेरे को ना वो स्वाद पता है कितना जबरदस्त आ रहा होता है घी का। अच्छा, टच भी करो तो ऐसे हो रहा होता है। आज जिस बच्चे ने भी शिकायत करी है ना मेरी वीडियो में ध्रुव से, अच्छी बात नहीं है ये। मैं इसीलिए फिर आप लोगों को दिखाऊंगी भी नहीं फिर कभी कि मैं क्या खा रही हूँ और क्या नहीं खा रही। इस व्यक्ति को बिल्कुल ना बताया जाए कि हम घर में क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते, तभी तो मेरे हैब्स नहीं बनते। हाँ हेलो जी, राधे राधे सभी को। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज है सप्तमी का दिन और आज लास्ट डे है हमारे यहाँ कीर्तन का, तो अभी थोड़ी देर में मैं ऊपर जाऊँगी। और आज व्रत भी है मेरा भी और मेरे हस्बैंड का भी, तो उसी की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। आलू वगैरह सब उबाल दिए हैं, इनको छीलूँगी और शाम को देखो क्या क्या बनाती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी जरूर। और कीर्तन में भी अगर हो सका तो थोड़ी बहुत क्लिप डालूँगी आप लोगों के लिए। और हमारी माता रानी की खेतरी देखो कितनी अच्छी हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको। मन खुश हो जाता है अगर इतनी अच्छी तरीके से खेतरी हो जाए। दोबारा आई हूँ लौट के चश्मा लेने के लिए, चश्मा नहीं होना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। कीर्तन में से होके आ गई हूँ और आज मिला है ये इतना सारा प्रसाद हमारे को, क्योंकि आज लास्ट डे था तो अब कीर्तन अब समापन हो गया कीर्तन का। अब देखेंगे महीने में एक दिन कभी कीर्तन करेंगे या कुछ सुंदरकांड का पाठ करेंगे, ऐसा कुछ डिसाइड हुआ है अभी। और मैं ये आलू छील रही थी, छीलते छीलते में ही मेरे को आवाज़ें लगनी शुरू हो गई तो मैं ये काम भी सब छोड़ के चली गई थी। मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलूंगी आपसे एक दिन बाद। राधे राधे सभी को। और आज रात को फिर हमने डिनर में बनाई थी कुट्टू के आटे की रोटी। व्रत का खाना बनाना था तो ये कुट्टू के आटे की रोटी भी मैंने बिल्कुल उसी तरीके से बनाई है फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने मक्की की रोटी बनाई थी पॉलीथीन में। और ये ना बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी और आराम से भी बन गई इजीली। तो आप भी ऐसे ही ट्राई करना इसको रोटी को बनाने की, तो ये आपसे भी अच्छी तरीके से बन जाएगी। और हाँ, कुट्टू का आटा जो मैंने गूंदा था ना, तो उसमें मैंने 4-5 आलू भी कद्दूकस करके डाले थे, बॉयल्ड आलू। एकदम फूली हुई रोटी बनी है।
देख के आती हूँ खाना इनको। ये लो खाना। आज देखो मैंने बिल्कुल भी तली नहीं है रोटी, सेक के ही बनाई है। ओके।